मथुरा में आज पुलिस को बड़ी सफलता प्राप्त हुई है, जहां पर हत्या, डकैती और अन्य जघन्य घटनाओं में शामिल रहने वाले गैंग के 9 बदमाशों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है, जिसमें कोसीकला पुलिस वाद टीम, सर्विलांस टीम की संयुक्त रूप से टीम शामिल रही। ये गिरोह घरों एवं फैक्ट्रियों में डकैती डालने वाले मध्य प्रदेश के अंतर्राज्यीय डकैतों के गैंग के सदस्य बताए गए हैं, जिनसे मुठभेड़ के दौरान 3 बदमाश गोली लगने से घायल हुए हैं और उन्हें अस्पताल में भर्ती करवाया गया है, जिनका उपचार चल रहा है। थाना कोसीकला इलाके में बीती रात उस समय गोलियों की दड़दड़ाहट से हड़कंप मच गया, जब डकैती की योजना बनाते हुए पुलिस ने मुठभेड़ के दौरान 9 कुख्यात डकैतों को 3 अवैध तमंचा, जिंदा खोखा, कारतूस एवं डकैती में प्रयोग करने वाले उपकरणों सहित गिरफ्तार किया। कोसी पुलिस और स्वाट टीम को एक उल्लेखनीय सफलता मिली है, जिसमें एक 9 सदस्यीय गैंग जो एमपी का रहने वाला है और चोरी, लूट, डकैती, हत्या, हर तरह के अपराधों को खरीद करता है। पारदी गैंग के नाम से ये कुख्यात है। जैसा मैंने बताया, इनके 9 सदस्यों को पुलिस मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार किया गया। 3 सदस्य पुलिस मुठभेड़ में घायल हुए हैं और इनके 6 अन्य सदस्य इसमें गिरफ्तार हुए हैं और इनसे बरामदगी हुई है। अगर जो घायल अपराधियों की बात करें तो इसमें राजवीर, राजा बाबू और राम भवन 3 अपराधी घायल हुए हैं और बाकियों की अन्य की गिरफ्तारी हुई है। राजवीर की बात करें तो उसके विरुद्ध 19 मुकदमे हैं और उन्हीं का एक साथी जिसका नाम राजेश है उसके विरुद्ध 23 मुकदमे हैं और इसमें से 2 अपराधी ऐसे भी हैं जो 2024 में मध्य प्रदेश से हत्या के मामले में वांछित चल रहे थे। निश्चित तौर पर इस गैंग की गिरफ्तारी से अपराध नियंत्रण में न ही सिर्फ अपने जनपद में बल्कि आसपास के जनपदों में और मध्य प्रदेश के क्षेत्र जो इससे प्रभावित हैं, इनके आपराधिक कृत्य से प्रभावित हैं, वहां भी अपराध नियंत्रण में सफलता मिलेगी। सर, कोई पुरस्कार इस टीम को मेरे तरफ से 25,000 का पुरस्कार घोषित किया जाता है तथा उच्च अधिकारियों से भी अनुरोध किया जाएगा कि इनको सुटेबली रिवॉर्ड किया जाए। कहां पर घटना, ये जगह जगह खाली मकानों को कई बार जो मकान में रह रहे हैं वहां पे प्रवेश करके घटना कारित करते हैं, अगर वहां के निवासी अगर जग गए तो उनके साथ मारपीट और हत्या तक की भी वारदात को ये अंजाम देते हैं। और इनका जो अपराध क्षेत्र है वो एमपी, यूपी, ये तमाम है। कई सारे अपराध तो ऐसे हैं जो इनसे पूछताछ में पता चला, इनको संख्या के बारे में भी जानकारी नहीं है कि कितने अपराधिकृत इन्होंने किए हैं, तो इन्होंने कई स्टेट्स में इन्होंने घटना की है। इतना तो आपराधिक इतिहास अभी जब से इनसे गिरफ्तारी हुई है और उससे अब तक मिली है, इनका आपराधिक इतिहास जो है इससे भी व्यापक होने की संभावना है।